खुदावन यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आज इस वक्त खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन ने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदावन के कलाम को बांट सकूँ। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम टीम और बिलखसूस पास्टर दानिश पीटर साहब का, जिन्होंने मुनासिब जाना कि मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूं। सो आज खुदावंद के कलाम में से इफ़सियों के नाम बुज़ुर्ग पौलुस रसूल के ख़त में से मैं आपके साथ मिलकर इस बात को सीखूंगा और हम इस बात पर गौर करेंगे जिसके लिए मेरा मज़मून है ईमानदार का बुलावा और उसके लायक चाल चलना। तो मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से इफ़सियों की कलीसिया के नाम लिखा हुआ बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का ख़त, उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक खुदावंद के कलाम में से देखिए हम तिलावत करेंगे। कलाम मुक़दस में मरकूम है, पस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरोतनी और हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। मसीह में अजीज बहन भाइयों, इन आयात की रोशनी में जब हम ईमानदार की बात करते, ईमानदार के बुलावे की बात करते हैं, तो साथ ही यहाँ पर खुदावंद के बंदे बुज़ुर्ग पौलुस ने इस बात को हाईलाइट किया है कि एक ईमानदार जब मसीह में बुलाया जाता है, यानी कि अपने गुनाहों से तौबा करता है, खुशखबरी पर ईमान लाता है और वो मसीह में शामिल हो जाता है, जिस तरह हमने यहाँ सुना के बदन एक ही है, वो कलीसिया में शामिल हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर ईमानदार की एक जिम्मेदारी है और वो ये कि जिस बुलावे से एक ईमानदार को बुलाया गया है बिल्कुल उसी तरह उसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक, उस बुलावे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। बुज़ुर्ग पौलुस रसूल के खतूत की अगर हम बात करें तो खुदावंद के बंदे ने नए अहदनामे में 13 खतूत लिखे और उनमें से 12 ख़त ऐसे हैं जिनमें वक्त, हालात और मसाइल के पेश नज़र खुदावंद के बंदे ने हदायत की हैं, खबरदार किया है, मामलात निपटाने के लिए नसीहतें की हैं। लेकिन इस ख़त की अगर बात की जाए, इफ़सियों के ख़त की अगर बात की जाए, तो इस ख़त में उसने मसाइल और मामलात की बजाय रूहानी पुख्तगी की गहराइयों का जिक्र किया है। इस ख़त में बुज़ुर्ग पौलुस रसूल की दुआया ज़िंदगी, उसकी रूहानी बसीरत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। इस ख़त की अगर बात की जाए तो इसे ईमानदारों की मसीह में शमूलियत के हवाले से, निजात के हवाले से और खुदावंद में चलने के हवाले से इसे दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसके पहले 3 अबवाब की अगर बात की जाए तो पहले 3 अबवाब ये बयान करते हैं कि कोई भी शख्स जो खुशखबरी पर ईमान लाता है, जो तौबा करता है अपने गुनाहों से, खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, तो वो कैसे मसीह में शामिल हो जाता है और क्या हैसियत उसे मिल जाती है, क्या एजाज़ उसे मिल जाता है। अगले जो 3 अबवाब हैं, यानी कि 4था, 5वां और 6ठा बाब, इनकी अगर बात की जाए तो ये 3 अबवाब बयान करते हैं कि मसीह में शामिल होने वाले ईमानदार को फिर किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करनी है,
जिसका जिक्र बुज़ुर्ग पौलुस रसूल यहाँ पर कर रहे हैं चौथे बाब की पहली आयत जो हमने यहाँ पढ़ी उसमें लिखा है कि मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले तो हमें इस बात के लिए खुदामंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए और उस वक्त को याद करना चाहिए जब हमें इंजील सुनाई गई, जब हमें खुशखबरी का पैगाम दिया गया, जब हमें खुदावन यसु मसीह के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी की खबर दी गई और हमें ये तौफीक मिली और हम पर यह फ़जल हुआ कि हम अपनी ज़िंदगी खुदावन यसु मसीह को दे सके, अपनी पुरानी इंसानियत के लिबास को उतार कर नई इंसानियत का लिबास जिस तरह से इस ख़त में लिखा हुआ है हम पहन चुके, तो हमें उस वक्त के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें इंजील सुनाई, उनके लिए हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ जब हम पहले तीन अबवाब की बात करते हैं तो पहले तीन अबवाब हमें बताते हैं कि ईमानदारों की मसीह में हैसियत क्या है। वो शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है, मसीह में शामिल हो जाता है, तो पहले तीन अबवाब इस खत के बताते हैं कि एक ईमानदार की मसीह में हैसियत क्या है। तो उसके लिए इसी खत का दूसरा बाब अगर हम देखें और उसकी पहली छः आयात खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे, लिखा है और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर से दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते थे और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानिंद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की जब हम कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया, तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यसु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। सो यहां पर हम देखते हैं खुदा का बंदा कहता है कि उसने तुम्हें भी जिंदा किया। यह इफ़सस की कलीसिया के साथ खुदा का बंदा मुखातिब है और कहता क्या है कि उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। तो जब मुर्दा थे तो खुदा ने जिंदा किया। मसीह में अगर हैसियत की बात की जाए तो एक ईमानदार की एक बहुत बड़ी हैसियत मसीह में यह है कि ईमानदार जो है वो गुनाह की मुर्दगी से मसीह पर ईमान लाने के वसीले से जिंदा हो चुके हैं। फिर यहां पर लिखा है छठी आयत में, यीशु मसीह में जिंदा करके जिलाकर उसमें शामिल करके आसमानी मुकामों पर बिठाया है। अजीज बहन भाइयों, आप अंदाजा कीजिए मसीह में आने के सबब से हमारी हैसियत क्या हो जाती है। और यहां पर लिखा हुआ है कि तुम जो पहले गुनाहों और कसूरों के सबब से मुर्दा थे लेकिन मसीह पर ईमान लाने के वसीले से खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की और हम कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तो हमारी मसीह में हैसियत यह है, हम गुनाहों की मुर्दगी से मसीह के वसीले जिंदा किए गए हैं। दूसरी बात, जब उसमें जलाए गए, जिंदा किए गए, तो आसमानी मुकामों पर बिठाए गए हैं। और तेरहवीं आयत में लिखा है, तुम जो पहले दूर थे
मसीह के खून के सबब से नज़दीक आ गए हो। तो ईमानदार जब बुलाए गए हैं, उन्होंने तौबा की है, बुलावे पर लब्बैक कहा है, खुदावन यीशु मसीह की पैरवी करने के बायस उसके ख़ानदान में शामिल हो गए हैं, तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि मसीह के खून के सबब से नज़दीक आ गए हो। तुम जो पहले दूर थे, गुनाह में ज़िंदगी बसर करते थे, इबलीस की रविशों पर चलते थे, हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है, जिस्म की ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन मसीह के खून के सबब से इन तमाम चीज़ों से हम आज़ाद हो चुके हैं। और बुज़ुर्ग पौलुस कहते हैं कि तुम नज़दीक हो गए हो, यानी कि खुदावंद के पास आ गए हो। तो ये ईमानदार की मसीह में हैसियत है, एजाज़ है। और इससे आगे अगर हम बढ़ें तो दूसरे बाब की 19वीं आयत में लिखा है, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है। अगर हम यहाँ बात करें परदेसी की, परदेसी वो होता है जिसका कोई अपना वतन नहीं होता, जो किसी दूसरे वतन में मुकीम होता है। अगर हम मुसाफिर की बात करें तो मुसाफिर वो होता है जो सफ़र में होता है, जिसकी मंजिल उससे आगे है और वो अपना सफ़र करता चला जाता है। तो बुज़ुर्ग पौलुस रसूल कहते हैं कि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। किसके वसीले से? खुदावन यीशु मसीह के वसीले से। तो एक गुनाहगार शख्स जब खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाता है तो मसीह के खून के वसीले से, मसीह के कफारे के वसीले से उस गुनाहगार शख्स की खुदा तक रसाई हो जाती है, खुदा तक मेल हो जाता है। और जब बाप तक रसाई हो जाती है तो फिर ऐसा शख्स जो मसीह में आने के बायस ईमानदार बन चुका, तो वो मुसाफिर नहीं रहता, वो परदेसी नहीं रहता, बल्कि मुकद्दसों का हम वतन बन जाता है और खुदा के घराने का हो जाता है। तो कितना बड़ा एजाज़ है, कितनी बड़ी हैसियत है। आज अगर हम दुनियावी नुक्ता निगाह से देखें तो आज लोग किसी अच्छे मुल्क की शहरियत या सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और करते हैं। कभी कभार तो लोग अपना सब कुछ बेचकर, सब कुछ ख़त्म करके, अपनी पुरानी शहरियत छोड़कर, अपने अजीज़ छोड़कर, अपने बहन भाई छोड़कर, इस उम्मीद पर अपना मुल्क अपना शहर छोड़कर चले जाते हैं, इस ख्वाहिश के साथ कि हमें किसी अच्छे मुल्क की शहरियत मिल जाए। और बाज़ औक़ात उसके बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं। लेकिन मुबारक वो हैं जो आसमानी शहरियत पाने के लिए कोशिश करते हैं, मुबारक वो हैं जो जिनकी ख्वाहिश ये है कि मैं आसमान का शहरी बन जाऊं। तो ये मुकद्दसों के लिए, ईमानदारों के लिए एजाज़ है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, मसीह में शामिल हो जाते हैं। और पहले तीन बाब इफ़सियों के नाम ख़त के ये बताते हैं कि मसीह में आने वालों की क्या हैसियत हो जाती है, उनका क्या मुकाम बन जाता है और उनका क्या एजाज है। इस और आगे लिखा हुआ है, ना सिर्फ मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो जाते हैं, बल्कि 20वीं आयत में लिखा है, और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। तो ईमानदार, यहां पर बुजुर्ग पौलुस ईमानदारों से मुखातिब है। तो ईमानदार
इस बात को याद रखें, मसीह पर ईमान लाने के 22 हम रसूलों और नबियों की नींव पर तामीर किए गए हैं, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद खुदावन यीशु मसीह है। और कलीसिया चूंकि एक इमारत है, और अगर हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक देखें तो आगे लिखा है, उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मकदिस बनता है, और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। तो एक ईमानदार जब खुदावंद में शामिल होता है तो रसूलों और नबियों की नींव पर तामीर किया जाता है, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुदावन यीशु मसीह है, और उसमें फिर ईमानदार बाहम तामीर किए जाते हैं। जैसे एक दीवार बनती है और पत्थरों के साथ पत्थर बाहम मिला दिए जाते हैं, तो इसी तरह से ईमानदार रूहानी इमारत खुदावन के घर में, उसके मस्कन में बाहम तामीर किए जाते हैं। और लिखा है ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। तो ये खुदावन यीशु मसीह में आने के बाद एक ईमानदार की हैसियत है जो उसे खुदावन में मिलती है। तो इसको हम मसीह में आने के बाद ईमानदार की हैसियत भी कह सकते हैं, इसे ईमानदार का एजाज भी कह सकते हैं, और इसे ईमानदार की बरकत भी कह सकते हैं। तो दूसरे बाब की पहली 6 आयात की अगर हम बात करें तो इसके मुताबिक एक शख्स मसीह पर ईमान लाने के वसीले गुनाहों की माफ़ी पाता है, मसीह के साथ ज़िंदा किया जाता है, आसमानी मुकामों पर बिठाया जाता है, मसीह के खून के सबब से खुदा की कुर्बत में आ जाता है, आसमानी शहरियत उसे मिल जाती है, और फिर 6 बात, मसीह में वो तामीर किया जाता है। तो ये मसीह में बुलावे की बरकत भी इसे हम कहते हैं। जब कोई मसीह में शामिल होता है तो ये उसके लिए एजाज भी है और उसके लिए बरकत भी है। तो अगले जो 3 अबवाब हैं उनमें तकाजा है कि एक ईमानदार जो खुदावन यीशु मसीह में आ जाता है तो फिर उसे कैसे चलना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बुज़ुर्ग पौलुस रसूल ने 4 बाब में से जब बात की, जो रेफरेंस शुरू में हमने पढ़ा था, तो इसमें लिखा हुआ है कि मैं जो खुदावन में कैदी हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। तो बहसियत ईमानदार हमें इस बात को याद रखने की ज़रूरत है, ना सिर्फ मसीह में शामिल हो जाना है, ना सिर्फ ये हैसियत एजाज और बरकत को पा लेना और इसको याद रखना और इसमें खुश होना है कि ये हमारे लिए सब कुछ मुस्तकबिल में भी मौजूद है, बल्कि इसके साथ एक और बड़ी अहम बात है, और वो ये कि बहसियत ईमानदार हमें आगे रूहानी ज़िंदगी में कैसे चलना है, कैसे अपने सफ़र को जारी रखना है। तो यहाँ बुज़ुर्ग पौलुस रसूल कहते हैं, यानी कमाल फरोतनी और हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। तो ईमानदार का बुलावा और फिर उस बुलावे में रहते हुए खुदावन में चलना, अगले 3 बाब ये बताते हैं कि खुदावन में कैसे ज़िंदगी बसर करनी है, कैसे खुदावन में चलना है। और यहाँ जो बात की जा रही है, यानी कमाल फरोतनी और हिलम के साथ, तो बुज़ुर्ग पौलुस रसूल के नज़दीक मसीह में चलते हुए एक ईमानदार को इस बात की हमेशा फिक्र रहनी चाहिए कि उसका मिजाज फरोतनी से भरा हो। फरोतन जो लफ्ज़ है, ये 2 लफ्जों का मुरक्कब है, एक फिरो जिसका मतलब है झुक जाना, और दूसरा है तन जिसका मतलब है बदन। फरोतन का मतलब है झुक जाने वाला बदन। तो एक ईमानदार हकीकतन जब खुदावन में आ जाता है
तो वो फरोतनी से ज़िंदगी बसर करता है। लिखा है कमाल फरोतनी और हिलम के साथ, जो कि हलीमी की यहाँ बात की गई है। और जब हम फरोतनी की बात करते हैं तो ये रूहानी ज़िंदगी की एक बड़ी सिफ्त है। अगर फरोतनी की बात की जाए तो इसके ऑपोजिट जो है, इसके उलट जो है, वो गरूर है। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है खुदा फरोतनों को तौफीक बख्शता है और मगरूरों का मुकाबला करता है। और जो खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहता है, खुदावंद उसे वक्त पर सर बुलंद करता है। चौथे बाब की 23वीं आयत में लिखा है और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। और अपनी अकल की रूहानी हालत में क्या बनते जाओ? नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीजगी में पैदा की गई है। सो अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाना, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर लिखा है नई इंसानियत को पहनो, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीजगी में पैदा की गई है। चौथे बाब की 29वीं आयत में लिखा है हमारी बातों से दूसरों पर खुदा का फजल हो। और फिर 30वीं आयत में लिखा है खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। सो बुजुर्ग पौलुस रसूल 5वें बाब की 1वीं आयत में कहते हैं अजीज फरजंदों की तरह खुदा की मानिंद बनो और मोहब्बत से चलो। तो ये बुलावे के लायक चाल चलने की बात है कि जिस बुलावे से बुलाए गए हैं उसके लायक चाल चलते जाए। लिखा है गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानिंद बनो। और अगर हम बुजुर्ग पौलुस रसूल की बात करें तो गलतियों को खत लिखते हुए वो कहते हैं मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और पतरस अपने खत में कहते हैं आए भाइयों अपने बुलावे और बरगुजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, अगर ऐसा करोगे तो हरगिज ठोकर ना खाओगे बल्कि बड़ी इज्जत के साथ हमारे बाप की बादशाही में दाखिल किए जाओगे। सो अगले 3 जो बाब हैं, 4, 5, और 6 बाब, ये बताते हैं कि एक ईमानदार को मसीह में आने के बाद किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, किस तरह से खुदावंद में चलना है। इसलिए हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद के कलाम की रोशनी में, हम पाक रूह की रहनुमाई में, हम दुआ के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें। और इस बात को याद रखें कि ना सिर्फ मसीह में शामिल होना है बल्कि उसमें उस बुलावे के लायक हमें चाल भी चलनी है जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे बुजुर्ग कादर मुतलिक आसमानी जिंदा खुदा बाप, तेरे पाक बेटे खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में मेरी दुआ है आज तेरे कलाम के वसीले से जो रहनुमाई हमने हासिल की है, जो कुछ हमने सुना है, बख्श दे कि हम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश में लगे रहें और तेरा पाक रूह हम सबको तौफीक देता रहे। और तमाम देखने और सुनने वालों के लिए मेरी दुआ है सबको बरकत दे। पास्टर दानिश पीटर और उनकी सारी टीम के लिए तेरे हुजूर से बरकत की दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।